इन दिनों हम कमेंट देख रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो एक हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जितेंद्र संधू जी, तो उन्होंने हमसे पूछा था क्या आईओएफ का पुराना वाला बंदूक इंग्लैंड का बना हुआ है और यहाँ अवेलेबल है, हम खरीदें या नहीं खरीदें। तो हमने उनको कमेंट करके कहा था कि आईओएफ का जो कभी नहीं इंग्लैंड से बैरल मंगाया है, आईओएफ ने सब दिन यहीं बनाया है, क्योंकि बंदूक बनाने की तमीज दुनिया को मुंगेर ने सिखाया है। मैं मुंगेर का हूँ, हमारे परिवार में फैक्ट्री भी है हथियार का, लेकिन हमको फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है। और जो आज आप समूचे इंडिया में देखते हैं छोटा वाले बंदूक, छोटी वाली बंदूक जो है वो हमारा ही डिजाइन किया हुआ है। वो सबसे पहले हमने आर्म्स स्ट्रॉन्ग एंड कंपनी के लिए डिज़ाइन किया था, हमारे मित्र की फैक्ट्री है वो, और वो भी हमने डिज़ाइन क्या किया, हमने चर्चिल का नकल किया था उसके बोर सिस्टम वगैरह का। तो बंदूक के बारे में हमारा दावा है, इसलिए कि मैं बंदूक पैदा करने वाले जिला का हूँ, दुनिया को बंदूक बताने वाला। तो बात चली, वो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं संधू जी, वो हमसे पूछे थे कि आईओएफ का बंदूक इंग्लैंड से आता है, क्या वो हम खरीदने। हम उनको बोले कि देखिए आईओएफ की बनी हुई पहले लॉट की जो बंदूक है वो आईओएफ का ही बना हुआ है, लेकिन वो बंदूक इंग्लैंड का बना हुआ नहीं है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो बंदूक बनने का शुरुआत हुआ है नवंबर 1952 में, मिस्टर एम एन वाल्टन, वो आरएफआई राइफल फैक्ट्री ईसापुर के सुपरिटेंडेंट थे, तो उनके मन में आया कि भारतीय शिकारी के लिए हम जो है सो यहाँ बंदूक बनाए। तो आईएफ के म्यूजियम में ही एक दोनाली बंदूक रखी हुई थी बीएसए की, उसका उन्होंने कॉपी किया, और कॉपी बहुत अच्छे ढंग से किया उन्होंने। और पहला लॉट जो 400 बंदूक का लॉट था वो फरवरी 1953 में तैयार हुआ, और उसको लंदन प्रूफ हाउस में भेजा गया। प्रूफ दो तरह का होता है, एक प्रोविजनल, दूसरा डिफिनेटिव। प्रोविजनल पहले उसको बोर वगैरह गेजिंग वगैरह का चेकिंग होता है, उसमें अगर यदि फिट बैठा तो उसमें पाउडर चार्ज दे करके और 3.5 टन 3.5 टन अगर यदि 2.5 इंच का चैम्बर है तो 3.5 टन, 2.5 से 3.5 इंच का चैम्बर है तो 3.5 टन, और अगर यदि 3 इंच का चैम्बर है तो 3.5 टन के प्रेशर पर उसको ब्लास्ट किया जाता है। अगर यदि बच गया तो बच गया, नहीं तो चला गया। तो ये लंदन प्रूफ हाउस को भेजा गया था। प्रोविजनल प्रूफ में ही लंदन प्रूफ हाउस ने इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो पहला बंदूक था, मतलब पहला लॉट का, उस सबको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन 5 कारण से उन्होंने किया था। बोर उसका परफेक्ट नहीं था, कहीं 725 था थोड़ा दूर पर, उसके बाद 718, उसके बाद फिर 729, मतलब प्रॉपर बोर नहीं था। उसके बाद जो चैम्बर में गेजिंग किया गया उसमें भी फेल कर गया, कौन उसका ठीक नहीं था। उसके बाद जो जिसको ब्रिज ओपनिंग बोलते हैं, बॉडी और बैरल के बीच का जो गैप होता है उसको एक्शन फेस बोलते हैं। एक्शन फेस जो है वो 0.02 टॉलरेंस का होना चाहिए, उससे अधिक होता है तो उसको फेल कर दिया जाता है। तो वो अधिक था, वो भी फेल कर दिया गया। इससे ज़्यादा गैप वाला बंदूक खतरनाक होता है, एक तो एक्यूरेसी रहती नहीं है, दूसरा जो है सो वो गैस निकल जाता है बगल से, वो अगल बगल वाले को खतरा पैदा कर सकता है। और जो एक्शन था, समूचा एक्शन लूज था, वो बंदूक चलाया। लेकिन जो रिकमेंडेशन लंदन प्रूफ हाउस ने दिया था, उस रिकमेंडेशन से फिर बंदूक को तैयार किया गया, और उसके बाद उसको राइफल फैक्ट्री ईशापुर के प्रूफ हाउस में ही टेस्ट किया गया। उस समय के जो प्रूफ मास्टर थे वो एजी हैरिसन थे। एजी हैरिसन साहब ने ये किरकी फैक्ट्री पूना के पास में प्रूफ के लिए, टेस्ट के लिए पाउडर था, उसने मंगवाया वहाँ से और इस बंदूक को टेस्ट किया, और जितना भी डिफॉर्मिटीज वगैरह थी
उसको ये करके, और फर्स्ट लॉट मार्च 1953 में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बंदूक बाजार में आया। तो बंदूक बहुत बढ़िया फिनिशिंग का है, हमारे पास में भी है बंदूक, हमने दुकान में जमा कर दिया है। अकेला आदमी है, 10-12 हथियार रखना छोटे ऐसे घर में बहुत दिक्कत है, हम सबको डिपॉजिट कर दिए, 3-4 हथियार हम रखते हैं पास में केवल जो नेसेसरी है, अदरवाइज हम ज़्यादा हथियार रखते नहीं हैं, सब जमा किए हुए, जब जरूरत जैसा होता है वैसा हम निकाल लेते हैं। तो जब हमने संधु जी को जवाब दिया कि भारत में कभी नहीं बना है, मैंने भारत का कभी नहीं इंग्लैंड से बैरल मंगा के किया है, भारत अपना बनाया है, तो उस पर एक कोई फेक आईडी से कोई इडियट टाइप का आदमी आई एम इंडियन करके वो कमेंट किया कि इस आदमी को तो बेसिक शॉटगन की समझदारी भी नहीं है। तो हूएवर मिस्टर आई एम इंडियन, जब वो पैदा भी नहीं हुआ होगा उस समय भी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरेंद्र सिंह जी, माननीय अमरेंद्र सिंह जी, उनके भाई के साथ मैंने स्कीट एंड ट्रैप का मैच खेला है, ये दिल्ली तुगलकाबाद शूटिंग रेंज का ये फोटो है, हमारे साथ वो कंपटीटर थे, गोल्ड मेडल उन्हीं को लिया था, उन्होंने ही लिया है, और वो ओलंपियन भी थे। तो ये वैसे लुच्चा लफुआ, हम लोग हमारे बिहार में इस तरह का कमेंट करने वाला बोलने वाले को लुच्चा लफुआ बोला जाता है। तो बेचारा कंफ्यूज किया, या हो सकता है उस आदमी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो। तो वेस्टेड इंटरेस्ट में सोशल प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए, हम उसमें कुछ नहीं, हम सोचे कि इस पर एक वीडियो बना दें। मुंगेर में पहले अनटेस्टेड बंदूक बनता था, और अभी भी मुंगेर में बहुत सा अनटेस्टेड बंदूक है, एक हमारे पास में भी है सिंगल बैरल, जो कि हम अपने छोटे भाई को दे दिए हैं, वो भी अनटेस्टेड है, उसका यहाँ से वहाँ तक 680 बोर है, और बहुत लंबा बैरल है, वो यहीं का फैक्ट्री का बना हुआ है, उस समय में घर पर बंदूक बनता था, तो वो टेस्ट नहीं होता था। जब टेस्टिंग होने लगा, टेस्टिंग ये 60 के बाद यहाँ कानून बन गया, 62 में जो आर्म्स एक्ट आया उसमें लॉ बन गया कि बिना टेस्टेड बंदूक पब्लिक को जाएगा नहीं, देन टेस्ट होने लगा और यहाँ का बंदूक में थोड़ा मेजरमेंट आया, अदरवाइज अनटेस्टेड देखने में खूबसूरत होता था, कॉस्मेटिक खूबसूरती थी लेकिन टेक्निकल वो बात नहीं थी, उसके बाद बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यही हम बताना चाहते हैं मोटा मोटी बंदूक का इतिहास। थैंक्स।